नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीयूष कुमार अग्रवाल और मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। 1 जुलाई से 6 जुलाई को हमारे मेडिकल कॉलेज श्री राममूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कैंसर से संबंधित जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आज समाज में हर परिवार को जकड़े हुए है। आपके परिवार या आपके सखे और संबंधियों में कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को कैंसर ने ग्रस्त कर रखा है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको बचाया जा सकता है। उसके होने के जो कारण हैं, हम उनको दूर करके कैंसर से बच सकते हैं। तो इसी संबंध में हमारा अस्पताल आरआर कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, जो कि राममूर्ति मेडिकल कॉलेज का एक हिस्सा है, वहाँ कैंसर जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। इस जागरूकता में हम लोग जैसे कि बच्चेदानी का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर, जो कि बचाए जा सकते हैं या जिनकी हम अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर सकते हैं या जिनको स्क्रीनिंग के माध्यम से अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। प्रतिदिन किसी न किसी विषय पे हम कैंसर की जागरूकता आम आदमियों में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रतिदिन हम कोई ना कोई किसी न किसी विषय पे हमारे पैरामेडिकल के बच्चे, नर्सिंग के बच्चे, एमबीबीएस के बच्चे कोई नुक्कड़ नाटक करके हम सबको संदेश देना चाहेंगे कि कैंसर अब लाइलाज नहीं रहा है और जागरूक होंगे तो बचा सकते हैं। हमारा इसी अभियान में कुछ टेस्ट हैं जो हम बिल्कुल निशुल्क करेंगे, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर अगर हमें किसी महिला में लगता है तो ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड निशुल्क होगा। बच्चेदानी के लिए पैप स्मियर निशुल्क होगा। 50 साल से उम्र से आदमी लोग, प्रोस्टेट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, सीरम PSA निशुल्क होगा। इस तरह के कई टेस्ट हैं जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम में अंतर्गत आते हैं। हम इनको निशुल्क करके कोशिश करेंगे कि कैंसर की बीमारी को बिल्कुल शुरुआती स्टेज में पकड़ पाएँ। हमारे इस अभियान में हमारे आप सब लोगों से निवेदन है कि आएँ और इस अभियान में हमारा साथ दें, अपने टेस्ट कराएं और लोगों को भी जागरूक करें कैंसर के विषय में। प्रतिदिन ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे से 1 बजे तक रहेगा और OPD सुबह 9 बजे से 3 बजे तक चलेगी। अपने आप को आके दिखाएँ और कैंसर के बारे में जानकारी लें। इसी के साथ अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, रहेंगे जागरूक तो कैंसर न कर सकेगा कोई प्रहार, तभी तो रहेगा सुख और संपन्न आपका परिवार। धन्यवाद। SRMS IMS बरेली में गायनी कैंसर सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ और हम SRMS IMS का स्थापना दिवस दिनांक 1 से 6 जुलाई के बीच में कैंसर स्क्रीनिंग और अवेयरनेस वीक के रूप में मना रहे हैं। गायनी कैंसर्स एक बहुत बड़ा हिस्सा है स्त्री कैंसर रोगों का और गायनी कैंसर्स में भी सबसे बड़ा योगदान जो है इस बीमारी में सर्वाइकल कैंसर का है। सर्वाइकल कैंसर इतना अधिक है हमारे देश की महिलाओं में कि यह स्तन कैंसर के बाद दूसरा प्रमुख कैंसर है। वर्ष 2022 में 1,25,000 नए मामले आए हैं और करीब करीब 80,000 स्त्रियों की इस रोग की वजह से, सर्वाइकल कैंसर की वजह से मृत्यु हुई है। इसका यह मतलब है कि प्रत्येक 8 मिनट में हम एक अपनी माँ को, बहन को इस कैंसर की वजह से खो रहे हैं। इसका इलाज क्या है, उपाय क्या है, क्या करें? तो हमारे लिए एक होप यह है कि इसका हम बचाव कर सकते हैं स्क्रीनिंग के द्वारा और वैक्सीनेशन के द्वारा। हमें अपनी बच्चियों को 15 वर्ष की उम्र तक इसके अगेंस्ट टीकाकरण कराना चाहिए, जो कि HPV वैक्सीन के रूप में उपलब्ध है, और हमारी स्त्रियों को कैंसर स्क्रीनिंग करानी चाहिए प्रति 3 वर्ष 5 वर्ष के अंतराल पर, और जो कि HPV DNA टेस्टिंग
लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी टेस्टिंग या पैप स्मियर के रूप में हमारे संस्थान में उपलब्ध है। हमारे बच्चियों को हम जन्मदिन पर कैंसर का टीका ही क्यों ना उपहार में दें, और हमारी महिलाओं को उनके जन्मदिन वर्षगांठ पर क्यों ना हम स्क्रीनिंग का उपहार दें। आइए सोचें और इस बड़ी बीमारी के विरुद्ध अपने कदम उठाएं। श्री राममूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 23वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हेड नेक कैंसर के ऊपर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें स्क्रीनिंग अथवा परीक्षण दोनों किया जाएगा। और स्क्रीनिंग में जिसकी ज़रूरत हो तो एंडोस्कोपी से जांच भी की जा सकती है, और परीक्षण में तो बाकी कैंसर को प्रूव करने के अलग अलग प्रकार के टेस्ट हैं, वो किए जा सकते हैं। और आगे कोई इलाज अगर होना हो तो उसके बारे में भी कम दाम पे, कम कीमत पे पेशेंट का इलाज किया जा सकता है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुभांशु SRMS में कैंसर सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ पिछले 10 सालों से, और कैंसर का इलाज हमारे यहाँ ऑलमोस्ट पिछले 15 से 17 वर्षों से चल रहा है। हमारे सेंटर में सभी तरह की फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, काफ़ी एडवांस्ड रेडियोथेरेपीज़, इम्यूनोथेरेपी, और हमारी पूरी टीम है डॉक्टर्स की। जैसा कि हम जानते हैं कि कैंसर में रोकथाम ही निदान है, कहने का मतलब है कि अगर हम कैंसर को बढ़ने से रोकना चाहते हैं तो इसको आने से पहले ही हम इसकी जांच करें, जो कि आम जनता में करी जाती है। इसी के तहत हमारे इंस्टीट्यूट में एक 1 जुलाई से 6 जुलाई तक एक कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत हम शरीर के विभिन्न भागों में होने वाले कैंसर्स की जांच करेंगे। जैसे कि जो कॉमन कैंसर्स होते हैं आमतौर पर, सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर है, इन सभी की हम किसी न किसी तरीके से जांच करके इनको आने से पहले पता लगाने की कोशिश करते हैं। ये जांच हमारे इंस्टीट्यूट में ऑलमोस्ट मुफ्त करी जा रही है, जिसमें हम पेशेंट्स को चेक कर उनकी जांच करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उनको कैंसर होने की संभावना है या नहीं है। ये बहुत ही ज़रूरी जांच है उन लोगों के लिए जो रिस्क पे होते हैं कैंसर होने के, जैसे कि कुछ महिलाएं जो सर्वाइकल कैंसर होने की रिस्क पे हैं, उनके लिए पैप स्मियर किया जाता है, या बहुत समय से दर्द रहित स्तन में गांठ हो रही है उनके लिए स्क्रीनिंग मेमोग्राफी करी जाती है, या फेफड़ों के कैंसर के लिए हम चेस्ट एक्सरे करते हैं। इस तरीके से विभिन्न जांचें हैं जिनके द्वारा हम पता लगाते हैं, और ये हम 1 जुलाई से 6 जुलाई तक अपने इंस्टीट्यूट्स में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कैंसर अवेयरनेस वीक विच इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी नो मोर एंड मोर कॉन्शियस अबाउट योर लाइफस्टाइल एंड अबाउट वेरियस cancers related to different lifestyles in your daily life, something like smoking, tobacco chewing, and when you are towards the older age group patients, somewhere like prostate cancer and all would come up. So colonic cancer, these cancers can be taken up for screening in males, and also for cervical cancer in females pap smear can be done, and the breast cancer screening, various national programs are being conducted right now. So I request everyone to be made aware regarding the cancer as a disease. If we need to reduce the mortality and whatever the morbidity it presents, first thing we need to do is to screen, detect the patient early in the normal population, and thereby reduce the fatalities presented by the cancer as such. कैंसर को स्क्रीनिंग के माध्यम से बिल्कुल ही अर्ली स्टेज, फर्स्ट स्टेज पे पकड़ा जा सकता है, जिसके बाद उसके टाइमली इलाज करने से कैंसर को पूर्ण रूप से हराया जा सकता है। SRMS में
23वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 1 से 6 जुलाई में SRMS इंस्टीट्यूट में कैंसर स्क्रीनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल की जा रही है, जिसमें आप और अपने परिवार कम दरों में स्क्रीनिंग करा के, विभिन्न प्रकार के कैंसरों की स्क्रीनिंग करा के कैंसर से बाजी जीत सकते हैं।